तो हेलो दोस्तों, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले वे प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन, इन दोनों में से कौन सा बेटर है एंड किनको ये लेना चाहिए एंड ये वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं या नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको सर देंगे और इसके बाद दोस्तों कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा जो है प्रोटीन खाना चाहिए और आप लोगों को कौन सा प्रोटीन सूट होगा। जैसे कि बहुत लोगों को जो है रॉ वे प्रोटीन के बाद में जो है उनको लूज मोशन हो जाते हैं, स्टमक ब्लोट करता है, तो क्या वो प्लांट प्रोटीन में होते हैं, ये एक एग्जांपल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट प्रोटीन एंड वे प्रोटीन को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक एक पॉइंट के साथ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, मैं हूँ हरमीत सिंह बमरा और ये है मोंटू मौर्या। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो के ऊपर। इनका जो मेकिंग कैसा रहता है, किस चीज से बनते हैं, जो प्लांट प्रोटीन जो रहता है वो है प्लांट बेस, जिसे हम अपना दालें, नट्स, ये सब चीजों से वो प्रोसेस होके बनता है, जिसमें से लोग कार्ब्स और फैट निकाल देते हैं और कंप्लीट उसमें प्रोटीन रह जाता है। और जो वे प्रोटीन जो बनता है, आप लोगों को तो पता ही है, वो है दूध से बनता है। दूध का जो मेन पानी जो है वो लोग निकाल लेते हैं, जिसे प्रोसेस करके जो है वो वे प्रोटीन बना लेते हैं। हमने वे प्रोटीन कैसे बनता है इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो भी बनाई है। सो ये था मेकिंग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लांट प्रोटीन किससे बनता है और वे प्रोटीन किससे बनता है। पॉइंट नंबर टू, सो जहां पर हम बात करते हैं प्लांट प्रोटीन के बारे में, प्लांट प्रोटीन जो है आर लो इन एमिनो एसिड्स, उसमें एमिनो एसिड्स की थोड़ी सी मात्रा कम है, और जो वे प्रोटीन जो है उसमें एमिनो एसिड्स की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसमें पाए जाने वाले कुछ एमिनो एसिड्स मौजूद नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तीनों जो है इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो मिलता है वो एनिमल बेस से मिलता है और वे प्रोटीन में जो है हर तरह के जो है एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। सो थम्स अप फॉर वे प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर जो है वे प्रोटीन जीत गया एमिनो एसिड्स के मामले में। सो आप जो है अगर कंपेयर करेंगे दोनों को, सो वे प्रोटीन एमिनो एसिड्स के मामले में इससे ऊपर। पॉइंट नंबर थ्री, प्रोसेसिंग। सो दोस्तों, प्रोसेसिंग के मामले में सबसे कम प्रोसेस होता है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन सबसे कम प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें से उन्हें जो है कार्ब्स और फैटी निकालने, जबकि वे प्रोटीन की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहले वो लोग जो है दूध का पहले पानी निकालते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद में उसमें से लैक्टोज निकालते हैं और उसमें से कार्ब्स निकालते हैं, फैट्स निकालते हैं, तो इसका प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो जहाँ पर प्रोसेसिंग की बात है, प्लांट प्रोटीन इसमें जीत गया, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग बहुत कम है और वे प्रोटीन जो है इसमें प्रोसेसिंग बहुत लगता है। पॉइंट नंबर फोर, अभी हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। अभी आप लोगों को बस स्माइल आ गई होगी, टेस्ट के बारे में जो है प्लांट प्रोटीन जो है उसका टेस्ट बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। तो हमने एक वीडियो में भी बताया था कि आप उसको आटे में गूंद के भी खा सकते हो, ये इसका बेनिफिट है, और क्योंकि उसमें कोई भी किस्म का लोग प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। और जहाँ तक वे प्रोटीन की बात है, वो टेस्ट में तो माई बाप है, क्योंकि उसमें लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि लोगों को अच्छा टेस्ट आए, क्योंकि वे प्रोटीन पीने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अभी प्लांट प्रोटीन में वो लोग प्रिजर्वेटिव्स क्यों नहीं डालते, वो मैं आपको सबसे लास्ट में खुलासा करूँगा। तो पॉइंट नंबर फाइव, डाइजेशन। जहाँ पर हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो प्लांट प्रोटीन में कोई भी किस्म का प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जिसकी वजह से आपको कहीं पर भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थम्स अप टू प्लांट प्रोटीन। जहाँ पर हम वे प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, वे प्रोटीन में काफ़ी सारे लोगों को डाइजेस्टिव इशू होती है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स और उसके बाद लैक्टोज, वैसे प्रिजर्वेटिव से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मोस्टली तो लैक्टोज से प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि लैक्टोज से स्टमक ब्लोट होता है, कितने लोगों को लूज मोशन हो जाता है, कितने लोगों को वॉमिटिंग होती है। तो आपने ये चीज़ महसूस की रहेगी, जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम है, प्लीज़ मूव टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है डाइजेशन के मामले में प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो यहाँ पर थम्स अप है। पॉइंट नंबर सिक्स, अभी देखते हैं इसमें कैल्शियम की मात्रा के बारे में। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं, तो कैल्शियम इसमें 25 ग्राम में 12 mg इसमें मौजूद है, जो बहुत ही कम मात्रा में। और जहाँ तक वे प्रोटीन की बात है, तो इसमें 25 ग्राम में 100 mg कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबको पड़ती ही पड़ती है। सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो आयरन के मामले में ऊपर है, तो उसमें 25 ग्राम में 6 mg ऑफ आयरन मौजूद है। और जहाँ पर वे प्रोटीन की बात है, उधर 25 ग्राम में 1.25 mg आयरन मौजूद है, जो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो है थम्स अप टू प्लांट प्रोटीन, जिन्होंने जो है पछाड़ दिया आयरन के मामले में वे प्रोटीन को। सो पॉइंट नंबर एट,
जो है कैलोरीज, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है 25 ग्राम्स में 97 कैलोरीज देता है, जो है अपना वे प्रोटीन 25 ग्राम्स में जो है 120 कैलोरीज जो उसमें है अवेलेबल है। सो जाहिर सी बात यह है कि जिनको वेट लॉस करना है वो प्लीज जो है अपना प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे मूव हो सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। वे प्रोटीन भी अच्छा है लेकिन ये तो कंपैरिजन है क्योंकि वैसे नुकसान तो किसी में भी नहीं है। सो ये था पॉइंट नंबर 8। सो सेकेंड लास्ट वाले पॉइंट में मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि किसको किसको ये लेना चाहिए प्लांट प्रोटीन। देखिए कुछ मेडिकल टर्म्स भी है, मेडिकल टर्म्स कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में मूव ऑन हो सकते हैं। सबसे पहले वो है कि जिनको जल्दी वेट लॉस करना है, सेकेंड जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है क्योंकि इसमें क्या होगा आपका इंसुलिन लेवल जल्दी स्पाइक नहीं होगा तो आप जो है आपका डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। थर्ड जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये जो है इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो जिसकी वजह से आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे आप मूव ऑन हो सकते हैं तो ये काफ़ी बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वे प्रोटीन बेटर नहीं है, ये कुछ मेडिकल कंडीशंस है कि आपको ये कंडीशन से आपको मूव होना है। अगर आपको कोई इश्यूज है तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे आप मूव हो जाइए, नहीं तो आप वे प्रोटीन भी बेटर ही है। मैं उसके लिए वो नहीं बोल रहा हूँ, वो भी अपनी जगह पे सही है और ये काफ़ी हद तक नेचुरल है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। सो अभी हम बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन लेने वाली जो संख्या है वो लोग हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, जिनको एथलीट बनना है तो वो लोग वे प्रोटीन खाते हैं। उसके अलावा जिनको टेस्ट चाहिए वो लोग वे प्रोटीन खाते हैं। जिनको वेट गेन करना है तो उसके लिए वो लोग मास गेनर पे मूव ऑन हो जाते हैं क्विक रिजल्ट्स के लिए। तो वे प्रोटीन, वैसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है थोड़े बहुत लेकिन वो हानिकारक नहीं है, लेकिन पूरा नेचुरल जो है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये मैंने काफ़ी स्टडी किया है इसके बारे में। सो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है प्लीज़ मूव टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अगर आपको कुछ नहीं है, अगर वे प्रोटीन से कम्फर्टेबल हो तो आप वे प्रोटीन पर आप अपने आप उसके हिसाब से चलिए। प्रोटीन का भी दोनों का जो न्यूट्रिशन फैक्ट है ऑलमोस्ट सेम ही आता है। और प्लांट प्रोटीन में दोस्तों एक और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, प्लांट प्रोटीन लेडीज़ लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए क्योंकि उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सर जैसे कि आपने सारी चीज़ें बता दिया, मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बता दो कि ये कौन से एज तक के लोग ले सकते हैं प्लांट प्रोटीन है ना वे प्रोटीन, मतलब किनके लिए ये क्या एज के लोग के लिए सेफ है। देखिए कोई भी जो प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ना, मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, जैसे आप जिम जाने लग गए, जैसे आप एक्सरसाइज करने लग गए, क्योंकि वो टाइम पे क्या हो जाता है कि मसल का वेयर एंड टायर होता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप जो 17-18 साल में अगर आप जिम जा रहे हो तो उसके बाद में आप ले सकते हो, उससे पहले तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप घर पे जो है अच्छा खाना खाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्स्ट्रा प्रोटीन एक्स्ट्रा अलग से काफ साल के मतलब नहीं है। सो जैसे आप जिम जाना चालू करोगे 16-17-18 साल में उसके बाद से आप ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10, वो है प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग की जहाँ पर बात करें आपको तो पता ही है कि सब जगह पर दालें बहुत महंगी हो चुकी है। सो डेफिनेटली प्लांट प्रोटीन जो है कम्पेयर टू वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन इज मच मोर कॉस्टलियर। सो उसका 1 kg का अप्रॉक्स रेट जो आ जाता है डिफरेंट कंपनीज का स्टार्टिंग फ्रॉम 2700 टू 3200 इसके बीच में आ जाता है। और जहाँ पर वे प्रोटीन की बात है उसका 1 kg आ जाता है 1800 से 2200 रुपये में, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का फ़र्क है। सो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो दोस्तों प्लीज़ मूव टू वे प्रोटीन। अगर आपको कुछ कुछ मेडिकल कंडीशन है, अगर इफ़ यू आर अ वूमेन, इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग वेल, सन यू कैन मूव टू द प्लांट प्रोटीन। सो दोनों में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपको सबको पता है वे प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बिकॉज दिस इज सप्लीमेंट्स। क्योंकि इंडिया में आज भी लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं जो आज भी बोलते हैं डब्बा है, इसमें साइड इफेक्ट्स है, इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी बनाती है क्योंकि कुछ हो गया तो लोगों ने कंपनी को सू कर देना है, तो इस करके यहाँ पर सेफ साइड है। और काफ़ी सारी जो है कंपनीज बाहर से यहाँ पर आई हुई है जो यहाँ पर सप्लाई कर रही है। सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री बन गया यहाँ पर क्योंकि हर एक जगह पर जिम खुले हुए ताकि लोगों को सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सके। दाल रोटी चावल में बॉडी नहीं बनती है, एक चीज़ समझ जाना। तो दिस इज़ द फैक्ट। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा, प्लांट प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखो यार, आप लोग देखते नहीं हो, मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियोज़ बना रहा हूँ। एंड प्लीज़ शेयर, ये आज तक अभी बताया नहीं रहेगा प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन को किसी ने कंपेयर नहीं किया रहेगा जो हम आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो नीचे से आप लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं प्लांट प्रोटीन वे प्रोटीन। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलता है।